विधि विभाग ने झारखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन अधिनियम 2022 का गजट प्रकाशित कर दिया है। इसके साथ ही यह अधिनियम राज्य में लागू हो गया है। अब बाजार समिति के माध्यम से होने वाले कारोबार में बाजार शुल्क भी लगेगा। इसके अनुसार नष्ट होने वाले उत्पाद पर एक और नहीं नष्ट होने वाले उत्पादों पर 2% तक की दर से बाजार शुल्क लगेगा। यह शुल्क बाजार समिति प्रांगण या उप प्रांगण में होने वाले कारोबार पर लगेगा। वही बाजार शुल्क बाजार समिति वसूलेगी। बाजार समिति में इलेक्ट्रॉनिक व्यापार प्लेटफॉर्म में बाजार शुल्क नहीं लगेगा। इन उत्पादों में सेस, उपयोगिता शुल्क आदि लगाया जाता है। बाजार शुल्क भुगतान की जिम्मेदारी कमीशन एजेंट की होगी। यह क्रेता से बाजार शुल्क वसूल कर बाजार समिति में जमा करेगा। बाजार समिति में प्रवेश करने वाले वाहनों पर प्रवेश शुल्क लगाया जाएगा। बाजार समिति के अंदर फल और सब्जियों की बिक्री और लेन देन पर ना ही कोई कर लगेगा और ना ही बाजार शुल्क लगेगा। व्यापारियों ने पिछले सप्ताह इसी मामले में आंदोलन किया था। आंदोलन के दौरान व्यापारियों ने खाद्यान्न व्यापार को ठप भी कर दिया था। कृषि मंत्री का आवास भी घेराव किया था। बाद में व्यापारियों की मुख्यमंत्री के सचिव विनय चौबे से वार्ता हुई। वार्ता के बाद व्यापारियों ने आंदोलन स्थगित कर दिया था। सरकार ने व्यापारियों की मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया था। सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में इस अधिनियम को बनाया गया है। देश के करीब 20 राज्यों में यह अधिनियम लागू है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग दर से टैक्स लगाया जा रहा है। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।